हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड चैनल। सिंपली आज वीडियो में बात करने वाले हैं पोको एक्स 3 प्रो या अदर फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। आप यदि आप लाइव गेमिंग स्ट्रीम करना चाहते हैं या फिर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप अपने माइक में और सिस्टम साउंड में कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे अपने गेमिंग का साउंड अपनी वीडियो में ला सकते हैं। गाइस, सिंपली आज की वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। गाइस, ये सब बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक भी कर दीजिए, जिससे कि आपको फ्यूचर में ऐसी वीडियो हमेशा देखने को मिलती है। तो ऐसी मेजर वीडियो मैं आपके लिए हमेशा फ्यूचर में आता रहूँगा। तो गाइस, बकवास बहुत हो गई, टाइम वेस्ट बहुत हो गया आपका, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, सिंपली आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया, सिंपली ऐसे आपको अब स्क्रीन रिकॉर्डर पे आपको टैप कर जाना होगा। सिंपली आपका ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आप देखिए, आप सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है गाइस, ठीक है। सिंपली आप सेटिंग का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। सेटिंग ऑप्शन क्लिक करने बाद आप कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाएगा। देखिए, मैं थर्ड पार्टी ऐप से भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको करके दिखा रहा हूँ, पर जो पोको एक्स 3 प्रो या अदर फोन डिवाइस में आप देख सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में जो फोन का वो होता है, जो खुद का फोन का होता है, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। और सिंपली इसमें ऐसा कुछ इंटरफेस निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देखिए रिजोल्यूशन आपको कितना मिल जाता है, 224 से लेकर 180 पिक्सल तो आपको मिल जाता है, ठीक है। यानी कि आपको फुल HD मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अब वीडियो क्वालिटी आपको 100 MB/s तक मिल जाएगी, ठीक है। 100 MB मतलब ये बोल सकते हैं इसी स्पीड वीडियो की स्पीड मिल जाएगी, ठीक है। और सिंपली ओरिएंटेशन में आपको ऑटो या कुछ और जैसे दे सकते हैं, पोर्ट्रेट लैंडस्केप आपको देखने को मिल जाता है। मतलब होता है जैसे आप कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जैसे आपका जो लैंडस्केप होता है, जैसे लेटा हुआ फोन है या फिर खड़ा हुआ फोन है, ये आपको ये शो कर देता है, ठीक है। अब आते हैं साउंड सोर्स पे, जो हमारे गेम प्ले में मेन होता है वो आता है साउंड का, ठीक है गाइस। सिंपली आज मैं बताऊंगा, सिंपली आपको उसमें माइक पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, आप म्यूट, माइक और सिस्टम साउंड। यदि आप म्यूट पे कर देते हो, आपका भी ना तो आवाज़ रिकॉर्ड हुई ना तो गेम प्ले का साउंड रिकॉर्ड होगा, ठीक है गाइस। अब आप माइक पे कर देते हैं, जैसे कि आप गेम प्ले कर रहे हैं अपना, तो अपने दोस्त से कुछ बात करते हैं तो सिंपली वो माइक के ऑप्शन में आ जाता है। अभी आप बोलेंगे कुछ तो आपके माइक से बोला हुआ जो होगा वो रिकॉर्ड हो जाएगा, पर आपका गेमिंग साउंड हल्का सा कुछ आपको सुनाई से देगा, पर आपको पूरी तरह सुनाई नहीं देगा गाइस। तो आप उसको कैसे सुनेंगे, आप सिस्टम साउंड पे जब क्लिक कर देंगे, आप सिस्टम साउंड पे आपका होगा क्या, जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ नहीं आएगी, पर जो आपके दोस्त जो बोलेंगे वो आपको क्लियर सुनाई देगा। और जो आप गेम प्ले का रिकॉर्ड करेंगे, तो गोली की आवाज़ें, कुछ भी हेडशॉट मारते हैं आप, वो सबकी आपको गेमिंग साउंड पूरा सुनाई देगा आपको वीडियो में, पर आपकी जो आवाज़ जो बोलेंगे वो आपको सुनाई नहीं देगा गाइस। सिंपली सिस्टम साउंड में यही एक अंतर है, यदि आप माइक ओपन करेंगे तो आपकी आवाज़ आएगी और आपके दोस्तों की आएगी, पर गेमिंग साउंड नहीं आएगा। यदि आप सिस्टम साउंड पर करते हैं तो आपके दोस्तों की आवाज़ तो आएगी, साथ में गेम प्ले की आवाज़ भी आएगी आपको, पर आपके जो बोलेंगे वो आवाज़ नहीं आएगी। आज आप खुद से आकर ट्राई कर सकते हैं, मैंने भी बहुत बार ट्राई किया, इसलिए आज मुझे पता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। सिंपली आज में आपको अगर लैगिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपके फ़ोन के ऊपर है वो। यदि आपने फ़ोन अपना पूरा भर रखा है, आपने खाली नहीं किया, या फिर आपने अच्छा कोई जैसे बोलते हैं सिस्टम लॉन्चर यूज कर रहे हैं, तो आप उस लैग प्रॉब्लम देख सकते हैं उसमें, या फिर आप नेटवर्क अच्छा यूज नहीं करें तो आपको उसमें लैग प्रॉब्लम आ सकती है रिकॉर्ड करते टाइम। अन्यथा इसमें रिकॉर्डिंग में कोई लैग प्रॉब्लम नहीं आएगी गाइस। तो सिंपली अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग जरूर कर दीजिए, पर आपको हीटिंग नहीं करना होगा, फ़ोन अच्छे से ठंडी स्थान पर जाइए, खेलिए, आपका लैग नहीं होगा गाइस, चाहे पोको एक्स 3 प्रो चाहे अदर डिवाइस हो, पर उसमें सिस्टम में अच्छा प्रोसेसर होना गाइस ज़रूरी है। तो मैं सिस्टम साउंड में आपको समझा दिया गाइस, एक बार फिर समझा देता हूँ। अगर सिस्टम साउंड में आप जाके, अगर आप साउंड सोर्स में जाकर सिस्टम साउंड को ऑन कर देते हैं, आपका गेम प्ले का आवाज़ और आपके दोस्तों का आवाज़ क्लियरली आपको सुनाई देगा और आपको रिकॉर्ड भी होगा, पर आप जो बोलेंगे वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा गाइस। आप माइक में क्लिक कर देंगे तो आप जो बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, और जो आपके दोस्त बोलेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, आपके टीममेट स्क्वाड वाले जो बोलेंगे आपका रिकॉर्ड होगा, पर आपका गेम प्ले का साउंड रिकॉर्ड नहीं होगा गाइस, ठीक है। आप म्यूट पे कर दे तो आप ना तो आपका साउंड रिकॉर्ड होगा, ना तो गेम प्ले का रिकॉर्ड होगा, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, वो सिर्फ आपका म्यूट हो जाएगा गाइस, ठीक है। सिंपली मैं सिस्टम साउंड पे कर मैं सही से देता हूँ, आप सिस्टम साउंड पे कर दीजिए। आप बाद में वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें आप जिससे भी एडिट करते हैं उससे आप अपनी वॉइस भी लगा सकते हैं बाद में, पर आप जब आप सिस्टम साउंड नहीं करेंगे तो आप माइक करेंगे तो आपका गेम प्ले का साउंड नहीं आएगा। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप सिस्टम साउंड ऑन करके खेलिए, वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आपकी वीडियो भी अच्छी क्लियरिटी देगी गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट मिली है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो बहुत ही बुरी बात होगी कि मैंने आपको इतनी अच्छी तरह समझा दिया गाइस। तो एक मैं वीडियो में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाना चाहता हूँ, ठीक है गाइस। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद चाहता हूँ आपसे।
ठीक है, अगर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहूँगा गाइस। ठीक है गाइस, आज की वीडियो में नहीं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक ख्याल रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।